जैसे मेरे पिताजी ने सेवा करी उसी तरीके से आपके बेटा आपका पोता आपकी उसी ढंग से उतने ही दम से और दुगनी लगन और दुगनी ताकत से आपकी सेवा करेगा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से मारवा जी ने दिन रात एक करके 365 दिन दिए अपने घर को, उसी तरीके से आपका ये बेटा आपका ये पोता उतने ही दम से उतने ही समय देगा और कभी आपको मेरे पास से आना पड़ेगा, आपका बेटा हमेशा आपका पहले पहुंचा मिलेगा। अपने पिता तरविंदर सिंह मारवा की बादशाहत और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का हुनर अर्जुन मारवा अब धीरे धीरे सीख गए हैं और नई राजनीतिक पौध के रूप में अपने पिता की विरासत, अपने संबंधों और उनके द्वारा बनाई गई राजनीतिक जमीन को पूरी तरीके से सिंचित कर नए तरीके से तैयार कर रहे हैं। मौका पार्षद के चुनाव का है और यह अर्जुन सिंह मारवा के लिए एक बड़ी चुनौती वाला समय भी। अरविंदर सिंह मारवा की छोड़ी गई राजनीतिक जमीन और अर्जुन सिंह मारवा के नए तेवर ने कहीं ना कहीं सियासी दुश्मनों को पानी पिलाने का काम कर दिया है और मानो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन सिंह मारवा अपनी पकड़ दिनों दिन मजबूत बनाते जा रहे हैं। सुनिए उनका भाषण और समझिए कि आखिर अर्जुन अब कितना तीरंदाजी, वो भी चुनावी वाली, सीखने में माहिर हो चुका है। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की साथी रिपोर्टर अंजलि पासवान की पूरी कवरेज देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। जैसे मेरे पिताजी ने सेवा करी उसी तरीके से आपके बेटा आपका पोता आपकी उसी ढंग से उतने ही दम से और दुगनी लगन और दुगनी ताकत से आपकी सेवा करेगा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से मारवा जी ने दिन रात एक करके 365 दिन दिए अपने घर को, उसी तरीके से आपका ये बेटा आपका ये पोता उतने ही दम से उतने ही समय देगा और कभी आपको मेरे पास से आना पड़ेगा, आपका बेटा हमेशा आपका पहले पहुंचा मिलेगा। हमने काम ज्यादा करना है, पिताजी ने हमेशा से बोला है कि जिंदगी में बेटा आदमी की जुबान से उसका काम बोलना चाहिए। मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूँ जितना बड़ा मेरा भाषण होगा और उससे डबल बड़ा मेरा काम होगा आपके लिए। मैं अपनी बात ये बोलते हुए खत्म करूंगा, आने वाली 4 तारीख को 1 नंबर बैलेट में बटन दबाना है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सेवा करी है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और जिस तरीके से महाराज जी ने इस क्षेत्र की सेवा करी है, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका बेटा भी इस वोट की सेवा करेगा और आप सब लोगों का नाम दिल्ली में नंबर 1 वोट बना के लाएगा। यही बोलते मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार मैं आशा करूंगा दोनों समय पर हाथ ऊपर करेंगे और जोर से हम बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मैं यहाँ से ना मतलब